नमस्कार दर्शकबिन, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज पुनः मैं आपके सामने कुछ विशेष जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं और बहुत सारे फोन मेरे पास आते हैं, बहुत सारे मैसेज मुझे प्राप्त होते हैं इस विषय के ऊपर, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई वीडियो इसके विषय के ऊपर मैंने चर्चा किया है। तो इस वीडियो को और भी आगे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा और विशेषकर महिलाओं को अथवा पुरुषों को इसके बारे में अभी भी कन्फ्यूज़न दिखाई देता है। वीडियो में बहुत कुछ क्लियर तरीके से बताने के बाद भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न सदैव बना हुआ है, तो इसलिए आज मैं इस वीडियो का निर्माण कर रहा हूँ। और ये वीडियो विशेषकर आपको नवरात्र में ये पूजा करने से आपको पुत्र प्राप्ति की जो कामना है शीघ्र पूर्ण होगा, और नवरात्र तिथि में आपको क्या चीज़ का पालन करना चाहिए और किस प्रकार क्या पूजा करने से आपको पुत्र प्राप्ति का जो रुका हुआ कार्य है वो शीघ्र पूर्ण हो सकता है। दर्शकबिन, ये जो टॉपिक है मैं बार बार इसलिए प्रस्तुत करता हूं कि मेरे पास असंख्य मैसेज आते हैं इसके बारे में, और मैं हर वीडियो के बाद और मैं विस्तृत तत्कृषि में जानकारी प्रस्तुत करता हूँ, फिर भी किसी को किस प्रकार के अथवा किसी को किस प्रकार की समस्या है, तो इसलिए मैं आज पुनः ये वीडियो का निर्माण कर रहा हूं। मेन टॉपिक क्या है पुत्र प्राप्ति के लिए, आप लोग के बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे यूट्यूब में, मेरे अलावा और भी वीडियो आपने देखे होंगे। एक कन्फ्यूजन आप लोग सामने क्या है कि केवल सोमडेट और मोरपंख की दवाई अथवा शिवलिंगी के बीज खाने से पुत्र प्राप्ति होता है, ये सत्यता भी है, परंतु ये केवल 40% सत्यता है, क्योंकि विधि ये पूर्ण नहीं है और कोई भी विधि वीडियो के माध्यम से पूर्ण विधि प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसलिए आप वीडियो देखने के बाद आप में संपर्क कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें प्रस्तुत नहीं हो सकता वो आप में फोन द्वारा भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बेसिक जानकारी में भी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आपको गर्भधारण से पहले चंद्र श्वास और सूर्य श्वास सोने के प्रक्रिया होते हैं, जिसमें पुरुष को सिद्ध करवट अथवा स्त्री को उल्ट करवट सोना चाहिए, और गर्भधारण के बाद विशेषकर सीधा करवट सोने से पुत्र प्राप्तियों का संभावना प्रबल हो जाता है। जैसा कि इससे पहले भी मैंने वीडियो में आपको प्रस्तुत करा हूँ, 10वां, 12वां, 14 अथवा 16 दिन पुत्र प्राप्ति के लिए कारगर होते हैं। महिला को डेट आने के बाद 10, 12, 14 और 16 वे दिन अगर स्त्री संगम होता है तो पुत्र प्राप्ति का जो कारण होता है प्रबल होता है। और इसके साथ में जैसे ही आपको एक महीने होने पर मोरपंख की दवाई अथवा शिवलिंग का बीज का भी आपको सेवन करना होता है, और उसके बाद विशेषकर सोने के तरीके जैसा आपको मैंने पहले बताया कि सीधे करवट यही करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का सीधा करवट सोने से पुत्र प्राप्तियों का प्रबल चांस भी बनते हैं। और विशेषकर पुत्र प्राप्ति चाहने वाले के लिए कुछ पूजा है जो आप लोगों कर सकते हैं। आप एक गाय के बछिया के गोबर लाके उसमें शिवलिंग का निर्माण करेंगे और उसमें पीले कपड़े से लपेट के ऊपर से थोड़ा सा आपको खाली छोड़ना है, और प्रतिदिन आप एक जगह रख के उनके ऊपर कच्चा दूध से अभिषेक करेंगे। कच्चा दूध से अभिषेक करते हुए मन में ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करेंगे 108 बार। 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने के बाद उसके बाद आप कोई भी काम करते समय मन मन में ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, ये मंत्र का आपको जाप करना है। एक बार ओम श्री कृष्णाय नमः करने के बाद आपको 5 बार तक श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप करना है, जिससे पुत्र प्राप्तियों का संभावना प्रबल होता है। और अगर हो सकता है तो आप लोगों अभी से ही भगवान श्री कृष्ण का बाल्यावस्था का तस्वीर रखकर आप उनकी पूजन करें, आप उनका स्मरण करें और मन में ओम श्री कृष्णाय नमः, 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 इस प्रकार से ओम श्री कृष्णाय बोलने के बाद 5 बार तक श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, इस प्रकार से आपको मंत्र निरंतर जाप करना है। यह मंत्र सुनने के बाद आपको ऐसा भी लग सकता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र
अलग होता है और इस मंत्र का अर्थ अलग है। इसलिए ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, यही मंत्र को आपको मन में जाप करते रहना है। गर्भधारण से पहले हो अथवा गर्भधारण कर चुके हो, इस मंत्र को और इससे पहले श्रमदेत अथवा दवाइयों का आपको समम करना है। और ध्यान रहे, आप कोई भी जानकारी पूर्ण जब तक नहीं होता तब तक आप इस कार्य में आगे ना बढ़ें, और आप हमें संपर्क करके पूर्ण जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन करने का समय अभी चेंज कर दिया है हमने, इसलिए शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको संपर्क करना है। और हमें संपर्क करने के लिए 8899007 और 50 इसी नंबर पे हमारा पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे है। हमारा टोटल परामर्श फीस 400 रुपया है। अगर आप पे करके टोटल परामर्श अगर लेना चाहते हैं तो आप हमें पे करके भी आप परामर्श ले सकते हैं। अगर बेसिक जानकारी आप चाहते हैं तो आप निःशुल्क भी हमारे से परामर्श आप प्राप्त कर सकते हैं। जुड़े रहिए, क्या समस्या है आप उसके बारे में अगर जानेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और हम आपको पुत्र प्राप्ति के टोटल कोर्स भी हम आपको प्रदान करेंगे, इसलिए आप संपर्क में रहे तो आपको सदैव कल्याण होगा। हरिओम।